नमस्ते सभी को, मैं फिर से आप सभी को अपना व्लॉग में स्वागत करता हूं और इस व्लॉग में मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा हमारे सोसाइटी पर जो है शादी कैसे होते हैं। मैं बताना चाहूंगा हमारे सोसाइटी पर जो है शादी बोलने से 3 times किया जाता है। फर्स्ट तो होता है एंगेजमेंट, जिसका मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग बना के है, आप लोग नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। और सेकंड में क्या होता है कि लड़का वाला जो है लड़की वालों को 1 buffalo और 2 swan दिया जाता है। अगर आप पैसा वाला है तो आप 3 buffalo भी दे सकता है। और उसको क्या करता है कि वहाँ से मीट काट काट के पूरे गांव में हर घर में थोड़ा थोड़ा मीट दिया जाता है। और थर्ड से में क्या होता है कि जो मीट दिया गया हर घर में उसका बदली में थोड़ा थोड़ा धान कलेक्ट किया जाता है और वो धान को लड़का वालों को दिया जाता है। और इस ब्लॉग में मैं आप सभी को वही दिखाने के लिए कोशिश करूंगा कि कैसे धान को लड़का वाला तक पहुंचाता है। और ये वाला थर्ड वाला पार्ट जो वो लड़की लोग का फेस्टिवल हम लोग मानते हैं, वहाँ पर लड़की लोग जो है बहुत एंजॉय करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा पहले ज़माने में तो सिर्फ धान दिया जाता था, लेकिन आजकल थोड़ा चेंजेस आ गया है। आजकल जो है अगर आप पैसा वाला है तो अपना बेटी को है कॉस्टली सामान भी दे सकते हैं। आजकल सुनने में आ रहा है कि बहुत स्कूटी टीवी फ्रिज ये सब जो बहुत दिया जाता है अगर आप पैसा वाला है तो, नहीं तो आप धान देके भी इसको कर सकते हैं। तो इस व्लॉग में मैं आप सभी को वही दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, तो आप लोग आगे देखते रहिए। तो आज जो है हमारे यहाँ एक बहन का धान लेके जाएगा हम लोग। तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ ऑलरेडी हमारे टाइटल के जितने भी भाई भैया लोग हैं और दीदी लोग हैं सब यहाँ पर आ चुके हैं घर में। यहाँ से हम लोग लेके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी एक अलमारी है, इसको भी देना है, बहुत सारे बकेट है और अभी जाने के लिए तैयारी कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे धान है, यहाँ पर चाचा लोग जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। और जितना भी हमारे यहाँ के दीदी बहन लोग है वो लोग भी आ गए हैं, सब लोग मिलके अभी जो यहाँ से धान और जितना भी सामान है उसको लेके जाएंगे। ये मुझे लिखित हो ऐसा को नहीं कहनी भाई आते भूल जाने आते भूल जा क्या चले आगे तुम्ही कोम साई को गंगाई आगे कोम नाव तो सोंग पा भाई ने कोम साई है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने के लिए कर रहे हैं, जितना भी धान है जितना भी राइस बेयर वो लोग को देना है, सामान है वो सब अभी ले लिया है। और यहाँ से थोड़ा दूर है मेरा बहन जहाँ पर शादी करके गया है, तो इसलिए जो हम लोग एक गाड़ी बुकिंग करके जा रहा है, नहीं तो हम लोग बुक के जाता है। और मैं बताना चाहूँगा आज जो है हम लोग घर घर घूमेंगे, यहाँ से बहन का लेके जाए उसके बाद वहाँ से भी फिर लेके जाना है। तो एक दिन में साल में जितना जितना का शादी होता है उन सभी का एक साथ किया जाता है आज का दिन को। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग बाद में एक साथ घूमेंगे। तो अभी हम लोग निकलने के लिए कर रहे हैं, सब लोग अपना गाड़ी में बैठ गया, थोड़ा दूर है यहाँ से इसलिए जो है हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं, नहीं तो माथा में बुक के धान और जितना भी सामान है वो हम लोग बुक के लेके जाता है। लेकिन बहन जो है थोड़ा दूर, हम लोग का बस्ती जो थोड़ा बड़ा ही है तो अलग अलग कॉलोनी में है, बहुत दूर है, इसलिए अभी हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं सब लोग। यहाँ से हम लोग वो कॉलोनी जाना है, वो हाई स्कूल कॉलोनी है, इसलिए हम लोग गाड़ी में जाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत दूर है। हम लोग अभी राजा कॉलोनी से जो है यिनयोकोंग कॉलोनी पहुंच गया, ये भी एक कॉलोनी है। उसके बाद और आगे जाना हम लोग का हाई स्कूल कॉलोनी, यहाँ पर भी हम लोग बाद में आएंगे, यहाँ पर हम लोग का चाचा का घर है। ओके, तो यहाँ पर भी बाद में, यहाँ पर जो है भैया का लेके आए यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर बाद में रिसेप्शन करना है दूसरा पार्टी लोग का। तो हम लोग जो अभी हाई स्कूल कॉलोनी पहुँच गए, ये हाई स्कूल कॉलोनी क्यों बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है हायर सेकेंडरी स्कूल है और इसका आसपास में ही हम लोग का बस्ती का पूरा जितना भी घर है वो कॉलोनी आ चुका है। तो हम लोग का गांव जो बहुत बड़ा है,
तो हाई स्कूल कॉलोनी इसको कहते हैं, ये नया कॉलोनी है वैसे, तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो हम लोग जो अभी हाई स्कूल कॉलोनी पहुँच गया, ये हम लोग का ही बस्ती का एक पार्ट है, ये नया कॉलोनी है। और अभी हम लोग का जो लड़का का घर है वो पहुंचने वाला है सामने में, अभी यहाँ से बुक की जाएंगे, जितना भी धान है सामान है सब लोग जो है यहाँ से बुक के नीचे ले। हेलो तो अभी हम लोग को रुकना पड़ेगा क्योंकि कुछ लोग जो है पैदल भी आ रहा था, बहुत सारे हम लोग का दीदी लोग जो है वो पैदल भी आ रहा था, तो यहाँ में हम लोग रुक के यहाँ से जितना भी धान है सामान है वो बुक के अभी नीचे जाएंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं जितना भी मेरा टाइटल का जो दीदी बहन लोग है वो लोग सब जमा हो गया है। अभी उसका बहन का हम लोग का बहन का घर जाने के लिए वहाँ पर जो है हम लोग के लिए खाना पीना भी बना के मिलेगा, तो वहाँ पर जो है हम लोग सामान धान जितना है उसको दे देंगे, वहाँ पर हम लोग को खाना वाना खिला के हम लोग फिर अलग घर जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है जितना भी लड़की लोग सब बहुत स्टाइल करके पूरे फॉर्म में है आज वो लोग, क्योंकि वो लोग का दिन है आज, वो लोग बहुत एंजॉय करेंगे दिन भर। हम तो खिपते गा। तो अभी जो हम लोग नेक्स्ट एक बहन का लेके जा रहे फिर अलग घर, बारिश की वजह से बहुत रुक गया था और रास्ता फिर यहाँ से बहुत दूर है, तो हम लोग फिर गाड़ी में ही जाना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर लड़की लोग जो है पूरा स्टाइल में स्वैग में जा रहे, क्योंकि रास्ता जो बहुत खराब है उसके लिए जो है हम लोग फिर गाड़ी पर जाना पड़ रहा है, ऊपर से दूर भी है। बारिश का वजह से जो है एक जगह में पूरा हम लोग एक घंटा जितना रुक गया था, जो कि एक के बाद एक कंटिन्यू करना था। तो अभी नेक्स्ट एक बहन का फिर लेके जा रहा है, वो जो अभी हाई स्कूल कॉलोनी से हम लोग फिर वापस अपना बस्ती जाएंगे वापस, तो अभी फिर सब लोग जा रहा है। तो लड़का का पार्टी लोग जो है यहाँ पर हम लोग को रुक के है, आप लोग देख सकते हैं ये है सुयांग पार्टी और हम लोग आए हैं खोयांग घर से, तो यहाँ में जो है लड़का पार्टी सब यहाँ पर हम लोग को रुक के, और मेरा बहन और हम लोग जो है सब लोग पहुँच गए यहाँ पर सब लोग गाड़ी में। तो आप लोग देख सकते हैं जितना भी मेरा दीदी बहन लोग है फिर यहाँ पर धान वगैरह गिफ्ट वगैरह सब लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा है कि अगर आपके पास धान नहीं है तो आप गिफ्ट भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ धान ही देना है, क्योंकि हर किसी के पास धान अवेलेबल नहीं होता है। कोई कोई खेत करके है, कोई कोई कुछ लोग जो खेती नहीं करके भी होते हैं, तो वो लोग जो है कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं, लेकिन देना है हर किसी को, क्योंकि जब मीट खाता है तो वो हर घर में दिया जाता है ताकि सभी को पता चले कि इसका शादी हो गया है। अजिम भालू यो रे फालतू तम ना न्यो ए वाह नो नो
तो काफी थक गए हम लोग, तो फिर एक दोस्त है मेरा मालिश कर रहा है। अभी हम लोग फिर जाना है एक बहन का, फिर सामान लेके जाना, तो हम लोग दिन भर घूम रहे हैं, खाना भी हर घर में खिला रहे हैं, तो और तो नहीं खा सकते। लेकिन तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा अलग अलग टाइटल से। अभी फिर ये लोग जो है एक अलग टाइटल लेके जा रहे हैं, और हमारे यहाँ जो है मेरा बहन का फिर यहाँ से लेके जाएगा। तो आज जो है सब लोग अपना अपना टाइटल को लेके, मतलब अपना अपना बहन अपना अपना बेटी का अलग अलग टाइटल, तो सब पूरे गांव में जो है एक ही दिन में ये जो चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक चिमयांग पार्टी फिर अलग घर में लेके जा रहा है, और यहाँ से हम लोग जो है, और यहाँ से जो हम लोग बांगयांग पार्टी फिर यहाँ से तेसिया घर में लेके जाएंगे। तो कुछ इस तरह जो है दिन भर ये चलता रहेगा, और स्पेशली लड़की लोग के लिए बहुत फन पार्ट होता है, क्योंकि अंदर में जो है बहन बांटने जाते लड़का लोग, तो वो लोग को वो गिरा के वो लोग बहुत कुछ कर सकता है। तो आज का दिन वो लोग को फुल परमिशन है कि मतलब तीन बार जो है पान बांटने जाते, तो वहाँ पर जो है बहुत फन होता है अंदर में। तो स्पेशली सिर्फ ये जो है लड़की का ही फेस्टिवल आप कह सकते हैं। ओए, ए माने यो क्लीन यो अजीक अभी फिर हम लोग जो है यहाँ से नीचे कॉलोनी जाएंगे, जो कि दूर है, लेकिन यहाँ से हम लोग सब लोग जो है धान बुक के जा रहे हैं, क्योंकि ये अभी गांव का अंदर में है, और सामने भी थोड़ा सामने पहले का कंपनी, तो यहाँ से जो सब लोग जो है धान बुक के, आप लोग देख सकते हैं जितना भी मेरा बहन दीदी लोग जो है सब लोग धान या कुछ कुछ बुक के सब लोग जा रहे हैं। ए वीडियो खिप जाते पाई टी पुलुआ लेंदे भी कोई है ठीक है जाए ये तो
तो आज का ये लास्ट रिसेप्शन रहेगा यहाँ पर, जो है मेरा भाभी के लिए अभी उसका घर से धान और जितना भी सामान है वो लेके आ रहा है। और आप लोग देख सकते हैं नीचे में जमा हो रहा है, वो जो डिसा कॉलोनी से जो भी लड़की लोग है वो लोग का टाइटल का चिलियन टाइटल का वो लोग वहाँ पर जमा हो रहा है। और मेरे पीछे में आप लोग देख सकते हैं मेरा भैया लोग भी, हम लोग अभी वो लोग को रिसेप्शन करने के लिए रुका हुआ है। तो ये लास्ट है यहाँ पर, बहुत खूब एंजॉय करेगा, स्पेशली लड़की लोग जो बहुत एंजॉयमेंट करेगा वो लोग आज, वो लोग का ही दिन आज। जो तो हम लोग काफ़ी थक गए क्योंकि सुबह से हम लोग घूम रहे हैं, पूरा गांव घूम रहा है, घर घर जिसका भी जितना, शायद आज 6-7 ऐसा लड़की लोग का जो धान देना वो एक जगह से दूसरे जगह हम लोग बहुत घूमे, तो बहुत काफ़ी थक गया है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं अभी आ रहा है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा, काफ़ी थक गया सुबह से हम लोग यहाँ वहाँ भटक रहा है, तो पूरा गांव घूम लिया और इसलिए बहुत थकान महसूस हो रहा है। और अभी लास्ट में मेरा भैया का रिसेप्शन था, तो वहाँ पर धान लाना, धान जो लाया है और जो सामान लाया उसका पूरा रिसेप्शन कर लिया। तो मैं अभी घर जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कोशिश किया हम लोग का जो मैरिज सिस्टम है स्पेशली नोक्ते सोसाइटी का वो दिखाने के लिए। और जैसे कि मैंने सुबह कहा है, ये जो है लड़की लोग का फेस्टिवल है, यहाँ पर लड़की लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं। आप लोग को मैं खींच तो नहीं सका, लेकिन खाना खाने के बाद जो है यहाँ पर एक रिचुअल है कि लड़का लोग जो है 3 times पान बांटने जाता है लड़की लोग को, तो एक एक करके जाता है, अलग अलग लड़का जाता है। तो वहाँ पर जो है वो लोग कुछ भी कर सकता है अंदर में, वो लोग गिरा सकता है, वो लोग कुछ भी कर सकता है। तो ये सब चीज़ भी वो लोग के लिए बहुत एंजॉयमेंट रहता है। और मैंने यहीं पर पूरा जितना हो सकता है सब कुछ दिखाने के लिए कोशिश किया है। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होने से प्लीज़ थोड़ा ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सकने से थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए अपना चैनल को, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक हमारे नुक्ते सोसाइटी का जो भी रिचुअल है उसको कैप्चर करके आप लोग को दिखाने के लिए। मैं सिर्फ आप लोग के लिए ये हर एक चीज़ बना रहा हूँ। तो अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कुछ भी कहना हो तो आप लोग कमेंट कर सकता है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, काफ़ी थक गया। टाटा बाय बाय, सी यू।